sales manager from shipping company. Is the hell and paradise are there? How as a common person I believe. I don't believe in any religion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dosto. आप तमाम अहबाब को रिलीजन 72 में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालात और जवाबात के सेशन का उर्दू तर्जुमा है ताकि आपको सुनने और समझने में आसानी रहे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स जो कि पहले हिंदू था और अब एथियस्ट यानी मुलहिद बन चुका था, वो ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब, आप इतना आलिम और फाजिल होने का दावा करते हैं, मुझे आपने मंतक के जरिए दलील के जरिए ये बात साबित करनी है कि जन्नत और जहन्नुम मौजूद है और मौत के बाद इंसान को जिंदा किया जाएगा। मुझे आपकी कोई भी दीनी या फिर दुनियावी या कोई ऐसी एग्जांपल जो किसी किताब से जाहिर होती हो वो मौजूद नहीं चाहिए आपके जवाब के अंदर, और मुकम्मल तौर पे आपकी जो बातें हैं वो इंसानी अकल से मावरा नहीं होनी चाहिए। जब उस शख्स ने ये सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यकीनन मैं आपको इसका जवाब इंसानी दलाइल और इंसानी मंतक पर दूंगा, और कुरान हदीस से कोई बात यहाँ पर कोट नहीं करूंगा जब तक कि मैं एक्सप्लेन न कर दूं जो आपका सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अभी किसी किताब का रेफरेंस चूंकि नहीं दे रहा तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब पूछिए। डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बहुत बड़ा डकैत हूँ, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़ा डकैत है, और सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा पूरा चैनल, मेरा पूरा नेटवर्क है, और इस मुल्क के तमाम बड़े बड़े मंत्री यानी वजरा और शराफा मेरी जेब के अंदर हैं, मैं इन तमाम लोगों को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रूल मेकर्स हैं, इनको कंट्रोल करता हूं, और इन लोगों के जरिए मैं जो चाहूं इस मुल्क के अंदर जिस जगह चाहूं और जब चाहूं वो कर सकता हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझे किस तरीके से कहेंगे कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं। वो शख्स खामोश रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि डाके मारना गलत चीज़ है? उसने कहा बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मुझे आप दलील के साथ ये बात साबित करें कि डाके मारना एक गलत चीज़ है। तो उसने आगे से कहा कि मैं आपसे कहूंगा कि इस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता, उनका माल लूट जाता है, और वो लोग जो हैं वो बड़ी कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ये कोई दलील नहीं, मैं तो हूँ ही डकैत, मैं हूँ ही बुरा, तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। मजमे के अंदर से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, डॉक्टर साहब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि पुलिस मुझे कैसे पकड़ सकती है, मैं तो एक बहुत बड़ा डाकू हूँ जिसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और सारे वजरा और शराफा और पुलिस के बड़े अफसरान मेरी जेब में हैं, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है, मैं तो माफिया हूँ, मुझे कोई और शख्स जो है वो कैसे रोक सकता है जो मेरी ही तरह का हो। एक और शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब हो सकता है कि आपको कोई दूसरा डाकू लूट ले। तो आगे से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जितना बड़ा डकैत हूँ मुझे शायद ही कोई दूसरा डाकू लूट सके, क्योंकि मेरी तमाम सिक्योरिटी मुल्क के सदर से ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए कि किस बुनियाद पर आप मुझे ये कहेंगे कि मुझे लूट लिया जाएगा, या किस बुनियाद पर आप कहेंगे कि मैं डकैती छोड़ दूं। यकीनन आपको किसी ऐसी चीज की मिसाल देनी पड़ेगी जो कि इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि हर शख्स के साथ इंसाफ हो और दुनिया में आप इंसाफ तलाश करें, तो ये इंतहाई नामाकूल और गैरफितरी बात है, क्योंकि हर इंसान को दुनिया के अंदर उसके कर्मों का जो सिला है वो नहीं मिल सकता। और ऐसा भी होगा कि आपको एक गलत सही की रहनुमाई के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो शख्स कायनात की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए इसके साथ ही कनेक्टेड, वो ये कि आप एक जंगल में जाते हैं और आपको जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, तो क्या आप खुद से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना शुरू कर देंगे, या फिर उस शख्स का पता लगाएंगे जो कि जंगल का माली था, या जो जिसने जंगल आबाद किया, या जो जंगल की जड़ जड़ से वाकिफ है? ये सब ने कहा यकीनन हम उस शख्स का पता लगाएंगे जो जंगल को जानता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो फिर आप उस शख्स को क्यों नहीं मानते जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने दुनिया का ये सारे का सारा आबादी का जंगल बसाया, जिसने आपको और मुझे कुन की सदा से पैदा फरमाया, वो हर चीज़ से वाकिफ है, वो हर चीज़ को जानता है। अगर कोई डाकू या डकैत इस बात को नहीं समझता कि सही क्या है गलत क्या है, तो खुदाए बुजुर्गो बरतर ने जो उसका पालनहार है, जिसने उसे पैदा किया है, उसने कुरान करीम के अंदर गलत और सही की मुकम्मल तफसील से आगाह कर दिया कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इसी को फॉलो करते हुए आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। जब डॉक्टर साहब ने ये बात कही तो उसे हल्की हल्की बात समझ आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स, जो मैं आपको डकैत वाली जो बात मैंने कही थी उसी को आगे बढ़ाता हूँ और मंतक की बुनियाद पर मैं बाल कर जो है वो बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बताएं कि डकैत जो है उसको दुनिया के अंदर तो सज़ा मिल नहीं रही, अब अगर उसे दुनिया में सज़ा नहीं मिल रही तो मुझे ये बताइए कि क्या
उसकी जितनी उसकी गलतियां हैं, कुताहियां हैं, उनकी सजा उसे नहीं मिलेगी? क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? सब ने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसे ऐसा छोड़ना तो बड़ी गलती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल यही बात, अगर आप उस बंदे को इस दुनिया में नहीं छोड़ सकते तो आप उसके ऊपर इख्तियार भी नहीं रखते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको किसी ऐसे रोज का इंतजार करना पड़ेगा जिस रोज उस बंदे के हाथों में, उसके पाँव में बेड़ियां हों और उस बंदे को उसके तमाम कर्मों की सजा मिले, गुनाह या सवाब का मामला तय हो और वहां पर फैसला हो कि इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए। तो रोजे कयामत से बड़ा दिन कौन सा होगा जब इंसान का फैसला होगा? अल्लाह तबारक व तआला की जात इस इंसान का फैसला करेगी। और वो लोग जो कि दुनिया के अंदर आकर लोगों पर जुल्म व सितम ढाते हैं, अगर दुनिया के अंदर आप देखें तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया के अंदर ही सजा मिल जाती है, वरना सबको सजा मिलेगी रोजे आखिरत में। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया के मामला दुनिया में ख़त्म हो जाएं, बड़ी इनह्यूमन सी बात है। तो आखिरत जो है वो यकीनन होगी। और जहाँ तक बात आपकी दुरुस्त या गलत की है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान पाक में सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायका चखना है। तो जब ये लोग मरेंगे, जब ये मौत का जायका चखेंगे, तो उसके बाद इन्हें अंदाज़ा होगा कि हमने इस दुनिया के अंदर क्या क्या गलत कर्म किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये बातें कहीं तो उस शख्स के दिल पर असर की और उसको अंदाज़ा हुआ कि वो इस हवाले से कितना गलत था। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, जो शख्स दुनिया में बचेगा लेकिन आखिरत में आप लोग ईमान नहीं रखते, तो मुझे ये बताइए कि अगर उसने एक से ज़ायद लोगों का कत्ल किया है, मिसाल के तौर पर हिटलर की एग्जांपल ले लें, हिटलर ने इस दुनिया के अंदर 2 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया, जिसमें सिर्फ यहूदी नहीं थे बल्कि दीगर मजाहब के लोग भी शामिल थे। उसने 2 मिलियन लोगों को कत्ल किया, उनको ज़िंदा जलाया। अब मुझे बताइए अगर आज हिटलर ज़िंदा होता तो आप उसे क्या सजा देते? उस शख्स ने सवाल करने वाले ने कहा कि हिटलर को सजाए मौत हो जाती, फांसी हो जाती। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या फांसी उसके इन तमाम जरायम का अजाला है? क्या फांसी से उन लोगों के दिल ठंडे हो जाएंगे जिन लोगों को, जिनके बड़ों को हिटलर ने कत्ल किया था, मारा था? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप फिर क्या करेंगे? तो शख्स ने कहा कि हम हिटलर को भी जला देंगे। तो आगे से डॉक्टर साहब ने कहा कि हिटलर ने तो 2 मिलियन लोगों को जलाया था, आप तो सिर्फ एक बंदे को जलाएंगे, तो क्या फिर भी बराबरी होगी? जवाब आया नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर बराबरी कैसे होगी? बराबरी इस बुनियाद पर होगी कि हिटलर ने जब 2 मिलियन लोगों को जलाया और आप उसका बदला नहीं पूरा कर सकते, तो होगा ये कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, इन तमाम लोगों को कुरान की इस आयत का अंदाज़ा और पता होना चाहिए कि बरोज़ कयामत अल्लाह तबारक तआला की ज़ात जो लोग गलत होंगे, बुराई करने वाले होंगे, उन्हें जहन्नुम में डालेगा, उन्हें जलाएगा उस आग के अंदर। जब एक मरतबा उनकी चमड़ी जलकर ख़त्म हो जाएगी तो खुदा उन्हें दोबारा से बिल्कुल ताज़ा चमड़ा अता करेगा, ताज़ा स्किन अता करेगा, उन्हें ताज़ा जिल्द अता करेगा और उसको दोबारा जलाया जाएगा। और ये प्रोसीजर चलता रहेगा कंटिन्यूसली तब तक जब तक के उन लोगों को मुकम्मल तौर पर उतनी सजा ना मिल जाए उन कर्मों की जो कि उन्होंने इस दुनिया के अंदर किए। तो यकीनन आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्त अहबाब के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। रिलीजन 72 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।